दोस्तों, गहना वशिष्ठ बीते दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में रही। कहा गया कि गहना वशिष्ठ ने फैजान अंसारी को हमसफर बना लिया। दोनों की शादी की फोटो और वीडियो भी वायरल हुए, मगर अब पता चला कि दोनों की शादी की खबरें फर्जी हैं। गहना वशिष्ठ की कभी शादी ही नहीं, इस बात का खुलासा खुद गहना वशिष्ठ ने किया। गहना ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह बयान जारी किया। गंदी बात फेम एक्ट्रेस गहना का कहना है कि उनकी कभी शादी हुई ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के नाम का भी खुलासा किया। एक्ट्रेस का कहना है कि वह फैजान को बहुत ज़्यादा जानती ही नहीं है। शादी की वह तस्वीरों तो सिर्फ वेब सीरीज शूट से संबंधित हैं। गहना ने अपने आधिकारिक इंस्टा अकाउंट से एक पोस्ट शेयर कर लिखा, मैं गहना वशिष्ठ से यह स्पष्ट कर दूं कि मेरी कभी किसी के साथ शादी नहीं हुई। यह सिर्फ एक वेब सीरीज शूट था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि मैं फैजान को बहुत ज़्यादा जानती ही नहीं हूँ। एक्ट्रेस ने आगे लिखा, फैजान के साथ शूट के लिए वह मेरी दूसरी मुलाकात थी और अपने जन्मदिन के जश्न के दौरान हम तीसरी बार मिले थे। सच बताऊं तो मुझे उनका पूरा नाम तक नहीं पता, वह कहां से ताल्लुक रखते हैं और बाकी सब चीज़ें। गहना वशिष्ठ ने इसके अलावा अपने बॉयफ्रेंड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, सदियों से मेरा एक बॉयफ्रेंड और उसका नाम है राम। ऐसे में किसी और के साथ शादी करने का सवाल ही नहीं, खासकर ऐसे शख्स के साथ जिसे मैं जानती तक नहीं। गहना के इस पोस्ट पर यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर्स ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया है, तो कुछ यूजर्स सवाल करें कि आखिर गहना सच में कब घर बसाएगी।